बहुत अच्छे सामने लगे मेरे को, किसी को साफ देखते हैं आपको बेटा, आ जाओ एक एक करके आना, मैं बता देंगे ये डालो मास। असर किसका रहता है तेरे पर? माँ असर कैसे रहता है, जब भगवती पूरी आके बैठी हुई है काली रूप में और दुर्गा रूप में तो शंकर को तो चढ़ के खुद ही दरबार में आना ही पड़ता है। मैं वही पूछ रही हूँ कि जब तू आया है घबराहट परेशानी चीज क्या आती है तेरे ऊपर? मैं तांत्रिक हूँ। अच्छा फिर क्या देखा दरबार में? मेरा जब तक बदला पूरा नहीं होगा मैं नहीं जाने वाली। मुझे ये बता दे दरबार में क्या देखा तूने? दरबार बेटे ने देखा, माँ तू लेके आई। एक बार बता बेटे ने क्या देखा? तू जब अपने आप को तांत्रिका बता रही है तो तूने भी तो कुछ देखा होगा। माँ मेरा फैसला मुझे करना है बस। तेरा फैसला तू कौन है करने वाली? करने वाली बैठी भगवती। माँ मैं वही तो कह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ जब तू दरबार में आया इस बच्ची को लेकर के या ये बच्ची तुझे लेकर के आई, लेने वाली लाने वाली माई, मुझे ये बता आकर के दरबार में क्या देखा तूने, किस चीज के दर्शन हुए तुझे? माँ मुझे पता है कि आप काली रूप में और दुर्गा रूप में आके घर में बैठी हुई है उसके, तो मुझे पता है कि अब मेरे दिन पूरे हो गए। तेरे दिन थे ही नहीं इस घर में। माँ मैं तो 17 साल से इस घर में राज कर रही हूँ। गलती है ना तेरी, अब देखना तेरे साथ क्या होने वाला, तेरे दिन थे ही नहीं इस घर में। माँ मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने उसके बाप से बस इतनी कही थी कि मैं तांत्रिक हूँ, मैं मरने वाली हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, मेरे दरबार पे आके, मेरे दरबार पे आके झुक, मेरे दरबार पे आके भगवती की सेवा कर, मैं मरने वाली हूँ, मेरे बाद आके सब सेवा कर। उसने मना कर दिया, मैंने उसकी बीबी से भी नाता तोड़वाने की कोशिश की, मैंने उसके बच्चे से भी नाता तोड़वाने की कोशिश की। तू जबरदस्ती होती कौन है, करवाएगा वो या करेगी वो? मैं तो भगवती की सेवा के लिए कह रही हूँ। भगवती की सेवा तू कौन होती है करवाने वाली, जब वो नहीं बैठी है वो चुनेगी ना अपने आप। मैंने इसके बाप से कही, उसने ना मानी, मैंने इसकी बीवी के छुटवाने की कोशिश की, मैंने तलाक के पेपर भेजे, मैंने गोलियां भिजवाई कि गोली चला दे तो मैं तांत्रिक को मैं छुड़वा लूंगी, ये मानी ही नहीं। और जब इसने नहीं मानी तो मैंने चल, मैंने कहा ठीक है मैं बताती हूँ, मैंने गलत सिद्धियां करवा दी, सारी शक्तियां उड़ गई, मेरी भी जान चली गई, सारी शक्तियां मेरे पे आ गई, बोली कि तूने गलत सिद्धि कराई, तू तो गुरु है, तू तो गुरु है, तूने गलत सिद्धि करवाई है, तू तो जे, तू तो मर। मेरी बहुत इधर को आ जा, कहाँ जा रहे इधर को आ जा, चश्मा उतार ले। मेरी बात सुन, दरबार किसको रही है, किसका नाम लेके, किसको नाम लेके, मैं चली जाऊंगी, किसका नाम लेके, मैं चली जाऊंगी, मेरा नाम बदनाम करती है। माँ मैं बस यही चाहती हूँ कि तू मेरे दरबार में आके रहे माई, बस मैं यही चाहती हूँ। तू कौन होती है मेरे को बुलाने वाली, तू कौन चाहती है मुझे बता, मेरी इच्छा जो मैं चाहूंगी वो करूंगी, तू कौन होती है? माँ मैं यही चाहती हूँ कि मेरा दरबार चले, लोग तेरा दरबार, तेरा दरबार फिर कैसे चलेगा जब दरबार तेरा है? किसके दरबार चलते हैं भाई? माई के। तांत्रिकों के चलते हैं क्या? आत्माओं के चलते हैं क्या? तेरा दरबार होगा तो कैसे चलेगा, मेरे ऊपर छोड़ के तो देखती। माँ मैं औरत जाती, आपको सब पता है, मेरे यहाँ सब लालची आते थे, मेरी बात सुन ले, करते थे जो है मैं सब जानती हूँ, भगवती भी औरत ही है और ज्यादातर प्रसन्न औरतों में ही होती है। किसी और पे लांछन लगाना बंद कर, तू कौन सा चरित्र की जीत थी? भाई आपको क्या मैं बता? अच्छा तू सही होती तो मैं सोचती, औरों पे लांछन लगाना बंद कर। भगवती मैंने तेरी इतनी सेवा की और तूने माई का नाम बदनाम करने वालों की सेवा नहीं लेती मैं, समझ में आई बात? नौराते हैं इसके प्यार से बात कर रही हूँ, आने वाले भक्तों के साथ भी तूने खूब कर्म करे और भक्तनी कहती है खुद को, आने वाली संगत
बच्चों के समान होती है और फिर खुद को मेरी बच्ची कहती है। ऐसे घर नहीं रुकती मैं। माँ तो मेरे से गलती हुई तो आप बताती ना माँ। ये कौन सी कम गलती है जो तूने घर बर्बाद कर रखे है? और जब तेरे को आकर के बताया तूने सुना कितनी मेरी? बच्चे के कर्म है जो प्यार से बात कर रही हूँ। दो नाकों के जोड़े जाएंगे भाई बच्ची के बच्चे के ऊपर से इसके। और इसको बुला लेना शनिवार को। चलाओ भाई बहन चलाओ। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो भगवती मैया।